हेलो गाइस, नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? मैं हूं अरविंद। एंड आज के इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ हम वापस आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं मुनावर फारूकी के बारे में। तो मुनावर फारूकी ने रिएक्ट करा है उनके ऊपर हुए पुलिस केस एंड FIR को लेके। मुनावर फारूकी को इंदौर के शो के दौरान उनके ऊपर FIR अरेस्ट भी किया गया था, उसके बाद जिनके बाद उन्होंने पिंक विला पे आए एक इंटरव्यू में इससे रिलेटेड कई बातचीत। हमने बाहर से रोज दुआ की आपके लिए, आपने दिन कैसे निकाला? जेल में एक चीज करनी होती है, एक ही चीज करनी होती है कि आपको टाइम निकालना है। एक ही चीज करनी होती है आपके पास, और कुछ नहीं करना है। और जेल में एक ही चीज आप नहीं कर सकते हो, और वो है टाइम निकालना। इट्स लाइक होता था कि मॉर्निंग होती थी, बहुत ठंड होता था, मॉर्निंग होती थी एंड इट्स लाइक आज का दिन निकालना है। अब दिन पता है कैसे निकलेगा? कि आप बहुत ही छोटी जगह उसमें वॉक करो। तो वॉक करता था घंटों तक। मतलब मेरे पैर जो होते ना नीचे से, वो एकदम पत्थर जैसे हो जाते थे कि मैं थक चुका हूँ। इतना वॉक कर रहा होता कि मेरा टाइम निकल जाए कि भाई नाश्ता आता था, वो दलिया आता था गेहूं का, वो जो रहता था पानी में वो घुला हुआ गेहूं, वो नमक वाला डाल के वो नाश्ता आता था। ठीक है, तब भूखे बहुत उठते थे, तो वो दलिया ही होता था कि भाई भूख में वो चल जाएगा। तो जब उसका इंतजार करते थे ना, तो ऐसा लगता था कि वो ना उठते थे हम लोग 6 बजे के टाइम पे, और वो दलिया आता था 9 बजे के टाइम। तो अब 6 बजे उठ गए, अब मुझे लगता है कि भाई अब 3 घंटा अपने को टाइम पास करना है जब तक दलिया नहीं आता। तो वॉक कर रहे, बैठे सोच रहे, कुछ बातें कर रहा हूँ ये वो। मेंटली मुझे लग रहा है 3 घंटे हो चुके हैं, और जब घड़ी में देखता था पता चलता था सिर्फ आधा घंटा ही हुआ है मुझे उठ के। तो इट इज सो डिफिकल्ट कि लाइक आई थिंक एक दिन 37 डेज के बराबर डर लग रहा था। मैंने एक ऐसा नेचर फील किया जो मैंने लाइफ में कभी फील नहीं किया, कि आप बहुत ही अनईजी और रेस्टलेस ऑल द टाइम। आपको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि आप कोई भी चीज़ को ना 2 सेकेंड से ज़्यादा सोच नहीं सकते। लाइक मैं सोच रहा हूँ क्या हो रहा होगा बाहर, फिर 2 सेकंड के बाद मैं सोच रहा हूँ कि ये क्यों हुआ। फिर मैं सोच रहा हूँ कि उस दिन क्या हुआ, वहां से मुझे वहां लेके गए। मतलब स्विच हो रहा हूँ मैं हर 2 सेकंड पे ना, जंप कर रहा हूँ हर अलग अलग चीज पे। नेक्स्ट अपडेट आ रही सोनू निगम की तरफ से। तो सोनू निगम चैंबर शो के लिए गए थे, वहाँ उनके लाइव शो के दौरान किसी पॉलिटिशियन के साथ एज पर द न्यूज आर्टिकल उन पे हमला कर दिया। जैसे कि आप वीडियो में साफ देख पाएंगे, किसी ने उन पे अटैक करा जिसके बाद उन्हें काफी इंजरी आई एंड उन्हें नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। जिससे रिलेटेड सोनू निगम का भी एक स्टेटमेंट आया, क्या कहा उन्होंने चले देखिए। पकड़ लिया तो मुझे बचाने के लिए पहले हरी को उसने पुश किया, तो वीडियो में देखेंगे राइट हैंड साइड में पहले हरी को पुश किया है। उसके बाद जब मुझे पुश किया तो मैं गिर गया, देखा होगा वीडियो में, मैं नीचे स्टेप पे गिरा। मैं अगर मैं साइड में तो मैं गिर जाता, मैं स्टेप पे गिरा तो मुझे बचाने के लिए रब्बानी आए, और रब्बानी को तो ऐसे पीछे चले बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। हम बात करने वाले UK07 राडा के बारे में। तो UK07 राडा ने बताया अपने बिकॉज बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग, सुबह के लोकेटेड इंडिया के हिसाब से 5:30 बज रहे हैं एंड वी आर स्टिल शूटिंग। साहिबा का 2 फाइनली पैकअप होता है। हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है इस वीडियो पे गाइज, आई होप आप सब लोगों को ये पसंद आएगा। एंड हम लोग सोच रहे गाइज इसे फर्स्ट को रिलीज करने के लिए, 1 मार्च 2023 को हम लोग साहिबा 2 रिलीज करने वाले गाइज। नेक्स्ट अपडेट आ रही सौरभ जोशी की तरफ से। तो सौरभ जोशी ने अपने ब्लॉग में बताया कि वो अपने रियल लाइफ का 10% ही लोगों को दिखाते, फिर भी लोग उन्हें जज करते हैं, उन्हें ट्रोल करते हैं। चले देखिए क्या कहा उन्होंने। मम्मी लोग डांटते रहते हैं, गुस्सा होते रहते हैं, और बहुत सारी ऐसी पर्सनल चीजें होती हैं जो कि मैं ब्लॉग में नहीं दिखाता हूँ। मैं ओनली 10% अपनी लाइफ का सिर्फ 10% आपको दिखाता हूँ। 90% जो पर्सनल चीजें हमारे घर की, एक बहुत सारी चीजें मैं आपको नहीं दिखाता हूँ। आप लोगों को लगता है कि मैं सब कुछ दिखाता हूँ, बट सब कुछ नहीं दिखाता हूँ। ओनली एंटरटेनमेंट के लिए आप लोगों को कुछ फन, या फिर मैं जब ट्रैवल करता हूँ, बाहर जाता हूँ, खाना पीना, सिर्फ मैं वही दिखाने की कोशिश करता हूँ। ज्यादा पर्सनल चीजें मैं नहीं दिखाता हूँ। तो काफी लोग छोटी छोटी चीज देख के जज भी करते हैं, तो ऐसा नहीं है, जज मत करा करो। जैसी आप लोगों की लाइफ है वैसी ही मेरी भी लाइफ है। आप लोग भी गलतियां करते हो, मैं भी गलतियां करता हूँ। आप लोग भी खाते हो, मैं भी डांट खाता हूँ अपने पेरेंट्स से। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है कि मेरी लाइफ में भी अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हाँ वो लाइफ का एक पार्ट है। तो हाँ वो सबकी लाइफ में होता है, चाहे कोई कितना बड़ा हो जाए, कोई कुछ भी हो जाए। गाइज मैं तो कभी किसी को जज नहीं करता किसी चीज को। नेक्स्ट अपडेट आई सौरभ जोशी से ही रिलेटेड। तो टेक चैंपियन सपोर्ट ने सौरभ जोशी के अर्निंग एक्सपोज को लेके रिएक्शन वीडियो शेयर करा है एंड थोड़ा सा ट्रोल करा सौरभ जोशी को। चले देखिए उनकी वीडियो की छोटी सी क्लिप, फुल वीडियो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स।
जो शायद या जो बड़ा क्रिएटर जिसको बोलते हो, सौरभ जोशी व्लॉग्स, नाम तो जानते हैं। और आज ये YouTube से पैसे कमाता है, आपको पता है सभी लोग पैसा कमाते हैं जो YouTube जिसका चैनल है और चैनल मोनेटाइज है, 80-80 लाख रुपए ये कमाता है। और अगर गलती से इसकी इनकम दिख जाती है तो अभी लोगों को धमकी दिला के वीडियो डिलीट करवाता है, वीडियो डिलीट करवा रहा है। ये पता है आपको, टॉप न्यूज बॉय इन भाई के चैनल की जो वीडियो थी, इन्होंने भी सौरभ जोशी के ऊपर एक वीडियो बनाया था, अर्निंग जो इनकी रिवील हुई थी, जो स्क्रीनशॉट निकला था, $98,000 का, यह वीडियो डिलीट करवा दी गई। साथ ही साथ न्यूज बॉय, इन्होंने भी सौरभ जोशी के इस न्यूज को कवर किया था और इनका वीडियो भी वहां से उतना पार्ट ट्रिम करवा दिया गया, डिलीट करवा दिया गया। वारे सौरभ जोशी बड़ा होशियार है। नेक्स्ट अपडेट आ रही सम्राट भाई की तरफ से। तो सम्राट भाई ने बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री बाबा के ऊपर एक वीडियो शेयर करा, वहीं उन्होंने ट्रोल भी किया है ध्रुव राठी को इस बात को लेके। नरेंद्र दाभोलकर के बाद इस काम को आगे कंटिन्यू रखते हैं श्याम मानव, जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ शुरू से ही रहे हैं, जब से इसकी इंसेप्शन हुई है, और ये अपने आप को एक सनातनी हिंदू कहते हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे गांधी जी और स्वामी विवेकानंद भी अपने आप को सनातनी हिंदू मानते थे। एक तो अपने आप को सनातनी हिंदू कहता हूँ। अब वीडियो की शुरुआत ही इतनी खूबसूरत है तो वीडियो के बीच में क्या क्या होना है आप समझ सकते हैं। और ये अपने आप को एक सनातनी हिंदू कहते हैं। अरे धन्यवाद मिस्टर एनआरआई, आपने मेरा बहुत बड़ा भ्रम क्लियर कर दिया। मुझे आज आपके थ्रू पता चला कि ये व्यक्ति सनातनी हिंदू है। मतलब आप देखिए सनातनी हिंदू कितना ज्यादा दिमाग वाला है, उसको ये नहीं पता कि 33 कोटी और 33 करोड़ अलग अलग चीजें होती। लेकिन कोई बात नहीं, श्याम मानव एक सनातनी हिंदू है, ठीक है। अगर कुछ लोग बेवकूफ बनना चाहें तो क्यों नहीं बन सकते वो बेवकूफ। मैंने अपनी लाइफ में किसी एक व्यक्ति के लिए इतना समय बर्बाद नहीं किया, लेकिन तुम तक सच पहुंचाने के लिए करना पड़ा। मैंने श्याम मानव के चैनल की बहुत सारी वीडियोस देखी, इनफैक्ट 2.5-3 घंटे के सेशन लिए। उसके बाद कहीं जाकर मुझे पता चला कि श्याम मानव सनातनी हिंदू होने के साथ साथ एक अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले।